हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज ही हम बात करेंगे भाई टेक्नो गेमर टोटल गेमिंग को इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर में पीछे छोड़ सकता है नहीं छोड़ सकता, और भाई जो पीछे छोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा टेक्नो गेमर को टोटल गेमिंग से आगे निकलने के लिए टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर में। और भाई मैं तो कोई मैं हेट नहीं फैला रहा, ठीक, बस मेरे दिमाग में ऐसे टॉपिक आया तो यार मैंने मना दिया। तो कैसे मेरे को पता है कि टोटल गेमिंग और टेक्नो गेमर के बीच में कोई भी कंपटीशन है भाई। सही बताऊँ तो मैं इन दोनों का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, इनकी मैं लगभग सारी स्ट्रीम देखता हूँ, लगभग सारी वीडियो देखता हूँ। तो ठीक है भाई, मेरे को एक हेटर की वो उससे मत लेना। देखो गाइस, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब जब टेक्नो गेमर आगे नहीं करेंगे टोटल गेमिंग और टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर में, ठीक है, तो भी अपने हज्जू भाई को भी थोड़ा मतलब बुरा सा लगेगा। वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। आपको पता होगा टोटल गेमिंग भाई के 3-4 चैनल है यूट्यूब पर, टोटल गेमिंग लाइव, टीजी हाईलाइट और एक मेन चैनल जिनका नाम है टोटल गेमिंग। और जब भी वो रैंक पुश करते हैं मतलब 11-12 घंटे की लाइव स्ट्रीम करते हैं तो अपने मेन चैनल पर करते हैं, वो उस जो उन्होंने लाइव स्ट्रीम करने के लिए मना रखा है। कई जैसे देखे जाए तो लाइव स्ट्रीम उन्होंने टोटल गेमिंग लाइव वाले चैनल पर ही करनी चाहिए, और भाई वो दिन की एक शॉर्ट वीडियो एक फुल लेंथ वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो देखो इससे तो बात साफ पता चलती है कि भी अपने चैनल को ग्रो करने में काफी सारी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और काफी सारी मेहनत भी कर रहे हैं। तो देखो इसका मतलब ये नहीं भी टेक्नो गेमर मेहनत नहीं कर, बस एक जीडी का एपिसोड डाल दे रही है बस बात खत्म। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो भाई अपने टेक्नो गेमर भाई भी उज्जलो भाई भी काफ़ी मेहनत करे, क्योंकि उन्होंने एक मतलब कि इंटरव्यू में कहा था कि भाई जीटी को एपिसोड रिकॉर्ड करने में ही 1.5 दिन लग जाता है। तो देखो एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है भाई, इतनी व्यूज देखो उसको नॉर्मली मिलने भी चाहिए। और भाई देखो आपने देखो वो एक वीडियो को तो रिपलोड भी कर लेते, क्योंकि एक बार वीडियो इनकी डिलीट हो गई थी यूट्यूब की वजह से, और लेकिन भाई फिर भी उन्होंने इतना कुछ मतलब खास रिएक्ट नहीं किया, एक दो स्टोरी डाली थी यूट्यूब पे। तो आप मिला के चलो कि टोटल गेमिंग की 3-4 वीडियो और टेक्नो गेमर की एक जीटी वीडियो भाई बिल्कुल बराबर व्यूज आ जाते हैं। तो कैसे अभी बात करते हैं भी टोटल गेमिंग इतने कम व्यूज क्यों आते हैं, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा 25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो देखो मैं आपको सीधा फंडा बताऊं तो देखो उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो सारे डेड सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। क्योंकि देखो कैसे वो जब शुरू में उन्हें सिर्फ फ्री फायर से स्टार्ट करा गेम खेलना, वो बाकी कोई गेम ही नहीं खेलते। अब आके वो कुछ गेम खेलने लगे, बीच में थोड़ी एक ही नेटर की वीडियो बनाई थी, लेकिन 95% वीडियो उनकी देख रहे ना फ्री फायर की मिलेंगी अभी भी, इसलिए। और वहाँ पे हम कंपेयर टेक्नो गेमर को, लेकिन भी टेक्नो गेमर शुरू में वीडियो बनाती भाई पीसी गेम कैसे डाउनलोड करे, एमुलेटर गेम कैसे डाउनलोड करे, ठीक है, तो ऐसे कुछ वीडियो बनाते थे। और भाई उसके बाद फिर उन्होंने कुछ मतलब कि गेम रिव्यू वीडियो बनाई, जो मैं अभी बनाता हूँ अपने सेकंड फर्स्ट चैनल पे, सॉरी, ठीक है, उन्होंने कुछ गेम रिव्यू बनाई। तो उसके बाद कुछ उन्होंने सीरीज स्टार्ट करी छोटी मोटी, जैसे एक बेंटन की सीरीज स्टार्ट करी थी उन्होंने, मैं उनको काफी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ। मतलब कि उन्होंने अपनी ऑडियंस ऐसी बना दी थी कि भाई मतलब कोई सा भी गेम खेलो उसकी ऑडियंस वो गेम को मतलब उसकी वो वीडियो देखेगी जरूर। तो ऐसा कुछ मतलब कि उन्होंने सीन करा, टोटल गेमिंग के भाई व्यूज कम आते टेक्नो गेमर से। टेक्नो गेमर कोई भी गेम खेले भाई उसके अच्छे खासे व्यू आ जाते, 5-6 मिलियन तो देखो उसके नॉर्मली भी आ जाते टेक्नो गेमर के। तो देखो ये रीजन है कि भाई इसीलिए टोटल गेमिंग के व्यूज कम आते हैं। तो कैसे अभी बात कर लेते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा टेक्नो गेमर को मतलब कि आगे बढ़ने में, टोटल गेमिंग से आगे निकलने में, इन टर्म ऑफ सब्सक्राइबर कह रहा हूँ भाई, ठीक है, और तो भाई अपने दोनों भाई इक्वली हैं। तो देखो मेरे को लगता है भी 5-6 मंथ लगेंगे उनको मतलब कि आगे निकलने में इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर में। क्योंकि देखो टेक्नो गेमर को भाई यार वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लेंथी वीडियो होती है। और जो मतलब अपने टोटल गेमिंग भाई वो मेहनत तो बहुत करते हैं, वो उनका काफ़ी अच्छा गेम प्ले भी है फ्री फायर का, लेकिन उनको फिर भी यार बहुत कम टाइम लगता है टेक्नो गेमर का मतलब कंपेयर करें। क्योंकि देखो वो अपने गेम खेलते तो उसके साथ साथ मतलब कि वॉइस ओवर करते हैं, वो बाद में मतलब अपने गेम प्ले का वॉइस ओवर नहीं करते। और टेक्नो गेमर को भाई काफ़ी टाइम लगता है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, उसको गेम प्ले बनाने में भाई आप सोचो कि 1.5 दिन लग जाता है। मेरे को एक वीडियो रिकॉर्ड करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, और 1 घंटे भाई बिल्कुल हालत एक मतलब कि फटके 64 हो जाते हैं भाई, सही बताऊं तो, ठीक है, तो देख लो आप 1 घंटे में मेरी तो हालत ख़राब होती है। वो भाई 1.5 दिन रिकॉर्डिंग करता है मैं तो बैठ के 6-6, 4-4 घंटे, उन्हें तो बोला था कि इंटरव्यू में भी 11-11 घंटे तक की रिकॉर्डिंग चली जाती है जीटीए की। तो आप सोच ही सकते हो भाई कितनी मेहनत कर रहा है वो। और वहाँ पे अज्जू भाई को कंपेयर करें तो वो भी मेहनत करें, मैं नहीं बोल रहा मेहनत क्यों नहीं कर रहे, वो माइनक्राफ्ट में काफ़ी अच्छी अच्छा मतलब कि फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो उनका टोटल मतलब एक फ्री फायर का गेम प्ले कितने मिनट का होता है, ज़्यादा आधे घंटे को जो एक फ्री फायर का गेम प्ले। तो देखो फिर भी यार एक हिसाब से देखा जाए तो टेक्नो गेमर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और भाई मेरे को लगता है कि 5-6 मंथ में टेक्नो गेमर आगे निकल जाएंगे टोटल गेमिंग से। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतनी, जो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आ गए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।